हाय, मैं अर्पिता फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेके। मेरा जो वीडियो है वो मेहंदी कोन के ऊपर फ़िलहाल चल रहा है। मेहंदी कोन का जो डेफिनेशन है वो बहुत लोगों के साथ अलग अलग डेफिनेशन में आता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे महंगी मेहंदी खरीद के क्या करना है, हमको वो पैसे तो मिल नहीं रहे हैं और वो मतलब हमको नहीं मिल रहे तो हम बेकार में ऑर्गेनिक मेहंदी बना के टाइम वेस्ट क्यों करें, और ऑर्गेनिक मेहंदी में है ही क्या, ऑर्गेनिक मेहंदी में क्या है। ऑर्गेनिक मेहंदी में सब कुछ है, आपकी आसानी है, आपके हाथ का रेस्ट है, आपके टाइम का जो है उसका भी सल्यूशन है। आप मार्केट से जो मेहंदी लाते हैं उससे जो मेहंदी लगाते हैं, आपको कम से कम 4 घंटे की मेहंदी आपको 5 घंटा लगती होगी, क्योंकि उसको आप प्रेशर दे के दबा दबा के उसको बहुत मुश्किल से निकालते होंगे। और जो ऑर्गेनिक रहती है वो बहुत इजीली चलती है, क्योंकि वो हम फ्रेशली बनाते हैं घर में बनी हुई फ्रेश मेहंदी का जो है कलर अलग ही आता है। और वो आप लोगों के साथ मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बल्क में जो है मेहंदी बना के दिखाई है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रॉपरली वो मेहंदी का वीडियो लाऊंगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं वो वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। तो आप लोग ये समझिए कि ऑर्गेनिक मेहंदी वो चाबी है जो आप के डिज़ाइन को इन्हेंस करती है, जो आपके टाइम को बचाती है, और जो आपकी डिज़ाइन को तरीके से खूबसूरती देने के साथ साथ उसमें बहुत बढ़िया कलर भी लाती है। तो थम्स अप फॉर ऑर्गेनिक मेहंदी। सब ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं मिलता तो बनी बनाई ऑर्गेनिक मेहंदी ख़रीदने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो हमसे ले लीजिए, हम कोन बनाते हैं, और कोन में कोई भी दिक्कत आए तो हमको बताइए, हम रॉ मटेरियल्स भी सेल कर रहे हैं। तो आपको सप्लायर का जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ 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 चेक कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।